नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज 27 अगस्त पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया। प्रयागराज जिले में इसका असर दिखाई देने लगा है। यहां गंगा यमुना नदियों का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी के साथ साथ मगरमच्छ और विषैले जीव जंतुओं भी पहुँचने लगे हैं। हाल ही में प्रयागराज जिले के सलोरी इलाके से सड़क पर 10 से 12 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ को देखकर लोग डर गए और अपनी अपनी छतों पर चले गए। बता दें कि इस विशालकाय मगरमच्छ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस विशालकाय मगरमच्छ को काबू करने में वन विभाग के कर्मचारी के पसीने तक छूट गए, लेकिन मगरमच्छ काबू में नहीं आ रहा था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का काबू में कर लिया और उस पकड़कर वापस गंगा नदी में छोड़ दिया। हालांकि इस दौरान इलाके के लोग डर गए, अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए और सभी ने अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर लिए। अभी और बढ़ेगा गंगा यमुना का जलस्तर। गंगा यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है। NDRF निरीक्षण ब्रजेश कुमार तिवारी की माने तो अगले 3 दिन बाढ़ की स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि पानी का स्तर और बढ़ने वाला है। उन्होंने बताया कि नदियों में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए NDRF की 36 सदस्यीय टीम भी यहां पहुंच चुकी है। तो वहीं नदियों का पानी बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में आज काफ़ी तक अंदर तक पानी भर चुका है। साथ साथ विषैले जीव जंतुओं से भी खतरा बढ़ गया है। गलियों में पानी भर जाने की वजह से कुछ लोग अपने अपने घर पर छोड़कर कहीं और चले गए। जो लोग वहीं छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि घरों में पानी अब घुसने लगा है। वहीं सबसे घनी आबादी कहे जाने वाले सलोरी और शुक्ला मार्केट में विशालकाय मगरमच्छ दिखा तो लोगों में रोंगटे खड़े हो गए। लोग उससे कई मीटर दूर और छत से वीडियो बना रहे थे।